आज का हमारा रेसिपी है दही कड़ी। इस दही कड़ी को खाने के बाद तो मैं फ़ैन ही हो गया दही कड़ी का, और मेरी वाइफ़ का, दोनों का फ़ैन ही हो गया। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत डिलीशियस बनता है। तो चलो देखते हैं इसकी रेसिपी। इसको बनाने की रेसिपी है, आपको चना लेना है। चना आप रात भर भिगो के रख सकते हो या फिर कम से कम 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। बाद में उसका पेस्ट बना लेना है आपको, बारीक करके पतला पेस्ट बना लेना है। 2 कटोरी दही लेना है आपको। दही लेके उसको भी जैसे लस्सी बनाते हैं ऐसा पीस लेना है, मिक्सी में पतला करके पीस लेना है। आप इसको बनाने के लिए घी का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। तेल में आपको थोड़ा सा राई डालना है। राई डालने के बाद आपको तुरंत कड़ी पत्ता ऐड कर देना है। कड़ी पत्ता डालने के बाद आपको थोड़ा हरी मिर्ची बीच में से काट के आप डाल सकते हो, 4-5, जितना आपको स्पाइसी चाहिए उतना ही आप डालने के बाद इसको फ्राई अच्छे से कर लो। फ्राई करने के बाद जो पेस्ट, जो चना दाल का पेस्ट बनाए थे आप, उसको ऐड कर लो। लेकिन ध्यान रखे आप इसको चलाते रहना है वरना दाग लग सकता है इसमें धीमे आँच पे। आप फ्लेवर के लिए सुई की भाजी इस्तेमाल कर सकते हो। सुई की भाजी में फ्लेवर बहुत अच्छे से उभर के आता है। अब इसको चलाते रहना है, थोड़ा बहुत दाग लग जाएगा लेकिन आप इसको घबराना नहीं है। बाद में आप घर पे बनाया हुआ मेथी और ज़ीरा भुनकर पेस्ट पाउडर बना सकते हो। इसको पाउडर बनाकर आप इसको ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, इसको लो फ्लेम पे ही आप कुक करना है। आप फ्लेम हाई नहीं कर सकते हो वरना पूरा दाग लग जाएगा। आप स्वाद अनुसार नमक ऐड करें। नमक ऐड करने के बाद आप थोड़ा सा दही इस्तेमाल कर सकते हो इस जगह पे। अगर ज़्यादा दाग लगता है तो थोड़ा थोड़ा करके आपको दही मिक्स करना है। आपको दही का इस्तेमाल उसी टाइम पे करना है जब आपको लगे हाँ दाग लगने वाला है, तो उसी टाइम पे दही का इस्तेमाल करें। आपको चलाते रहना है अच्छे से, क्योंकि जैसे जैसे आप दही डालोगे वैसे वैसे थिक होते जाएगा। तो इस टाइम पे आपको जब भी आपको लगे हाँ इस टाइम पे दही डालना चाहिए तभी ऐड करें। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और अच्छे से इसे कुक करें ताकि मसाला भी अच्छे से पक जाए और जो मसाले का फ्लेवर है तो अच्छे से दही में भी मिक्स हो जाए। तो आपको जितना थिक चाहिए आप उतना पानी ऐड कर सकते हो। ज़्यादा गाढ़ा बनाओगे तो उतना टेस्ट नहीं आता है। आपको जितना पतला चाहिए आप उतना पानी ऐड कर सकते हो। अगर इस रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स आपको जानना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे दिया है, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो। आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि आप कितना आपको पतला चाहिए और कितना आप पानी मिला सकते हो। आपको जितना चाहिए आप उतना पानी ऐड करोगे, जैसे जैसे उबाल आएगा और थिक होते जाएगा। तो आपको, लेकिन आपको रुकना नहीं है, इसको चलाते रहना है वरना नीचे से दाग लगना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको तेल अलग हो जाना है आपके कड़ी से, तेल ऊपर की तरफ तैरना शुरू हो जाना है। फिर आपको एक जार में आपको वही चना जो रात भर भिगा हुआ था उसी चने को लेना है। आपको इसको एकदम बारीक से नहीं, मोटा मोटा करके पीसना है। इसको ध्यान दें, मोटा मोटा करके पीसना है आप इसको। और फिर एक बॉल में इसको निकाल लें। अगर इसको बारीक कर दोगे मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर और बाद में 2 कटा हुआ बारीक प्याज बारीक करके आप काट लें। और जो सुई की भाजी है फ्लेवर के लिए इसमें भी ऐड कर सकते हो। करी पत्ता और लाल मिर्च बारीक काट के आप लाल मिर्च ऐड कर सकते हो। और थोड़ा सा नमक आप स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हो। और अदरक और लहसुन ये ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए आप ऐड कर सकते हो या फिर ऑप्शनल है, आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा। और अच्छे से मिक्स करके इसको डीप फ्राई करना है आपने। तो इस तरीके से आपको डीप फ्राई करना है, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए फिर उसके बाद आपको निकाल लेना है। इसी तरीके से आपको निकाल लेना है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है नीचे कमेंट बॉक्स में जाए आप ट्राई करें, फिर कमेंट बॉक्स में आकर आप कमेंट ज़रूर करें। और हमारे चैनल को अब तक के सब्सक्राइब नहीं किए हो तो
प्लीज़ ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह की रेसिपीज़ हम लोग लेके आते रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों